भाई का सवाल है, पूछ रहे हैं कि क्या कोई आदमी दारू पीकर सलाम करे, बार बार सलाम करे, तो क्या उसका हम सलाम का जवाब दे या ना दे, क्योंकि तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू पिए तो उसको मारो। और एक और रिवायत बता रहे हैं, तो हालांकि वो रिवायत का मेरे इल्म में नहीं है, मैंने पढ़ी भी नहीं है उसकी सनद क्या है, तो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं कि अल्लाह के मना फरमाया कि दारू वाले को सलाम ना करे। ये सलाम कैसा मामला है, अब उस हदीस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो आम जो चीज़ है तो सलाम के ताल्लुक से तो कई रिवायत मिलती है। कुरान में जब अल्लाह ने किया कि जो सलाम करे तो उसका तुम बेहतरीन जवाब दो, बल्कि और अच्छा सलाम उसका जवाब दो। उस सलाम के ताल्लुक से तो अब देखिए, सलाम के ताल्लुक, सलाम इतना कि फैलाने को कहा गया, बेहतरीन इस्लाम के अंदर सलाम को दाखिल किया गया। तो देखिए, कोई अगर एक शराब पीता है एक आदमी, तो उसका एक जाती अमल है, वो उसके जाती गुनाह कर रहा है, उसको जो अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन आप उसका जवाब नहीं देंगे, आप जवाब उसको देना ज़रूरी कि उसने किया, तो कुरान की तालीमात यही है। ये है कि आप उससे फिर जुड़े रहेंगे, आप उसको समझा भी सकते हैं, अगर सलाम का जवाब देंगे आप उससे जुड़े रहेंगे तो आप उसको ये कर देंगे। और ये है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लम थे, वो चाहे को हुक्म देते उस वक्त शराब के लिए, तो उस समय शरीयत बन रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लम देते, चाहे तो उसको मारने का हुक्म देते, हाथ पैर काटने का हुक्म देते, वो उनका मसला था। लेकिन हमारे लिए नहीं कि हम किसी को भी जो शराब पी रहा है तो वो मारे, वो ये अलग चीज़ है कि मुस्लिम कानून या बनाया, या फिर आपने एक समाजी निज़ाम बना रखा हो कि हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा करेगा तो हम उसके साथ ये करेंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन ये कि इस तरीके से आप वो कानून या हाथ भी नहीं ले सकते कि भाई अलग से किया तो हम भी इसको मारें, बैठ के उसको समझाइश दी जा सकती है और सलाम के जरिए आप उससे जुड़े रहेंगे। सलाम का जवाब आप भी नहीं देंगे तो फिर आप भी फिर उसकी इस्लाह कैसे करेंगे, तो आप सब उससे जुड़े रहने का जरिया होता है अल्लाह के रसूल ने इसलिए कहा कि 3 दिन तक सलाम करने से ही मना किया गया कि 3 दिन तक कोई किसी से बगैर सलाम के रह रहे सलाम बंद ना करें। इसमें बड़ी हिकमत है, हम सोचते हैं क्या 3 दिन, तो 3 दिन इसलिए कहा गया कि ये अल्लाह के रसूल ये भी कह सकते थे सलाम कोई किसी से बंद ही ना करे, ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो आदमी में जब लड़ाई हो जाती है ना, और उसके बाद भी वो फिर क्या वो सलाम करेंगे, वो करेंगे ही नहीं। तो 3 दिन के अंदर ये होता है कि अच्छे से अच्छा कितना भी गुस्से लाल हो, लालजी हो, बहुत सारा गुस्सा आता है उसको, हर बात पे गुस्सा आता है, 3 दिन के अंदर उसका पूरा गुस्सा ख़त्म हो ही जाता है। इसलिए कहा कि 3 दिन से मत करो, 3 दिन हो गया उसका गुस्सा ख़त्म हो गया, अब जाओ उससे सलाम करो। तो सलाम का जवाब तो मना नहीं है। और भी कई रिवायत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल वह सहाबा का अमल भी मिलता है। एक जो है रिवायत इनके इब्ने उमर के ताल्लुक से मिलती है, इब्ने उमर जो है उनसे सवाल किया गया, क्योंकि वो जो है सलाम किया करते थे किससे, खारजियों से, शियाओं से सलाम किया करती थी। तो किसी ने उनसे आकर कहा कि आप इनसे सलाम करते हैं जबकि ये तो इस्लाम से निकल चुके हैं, खारिज इसलिए कहा गया भी निकल गए इस्लाम से, तो इनसे करते हैं। तो उन्होंने फरमाया था कि जब तक इनकी मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती रहेंगी और नमाज और कुरान की तिलावत की आवाज़ आती रहेंगी, तब तक इनसे सलाम करते रहेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम बंद करेंगे, लेकिन जब तक ये होता रहा था उनसे सलाम करेंगे। तो इब्ने उमर वो शख्सियत है जो अल्लाह के रसूल सल्लम की मतलब ये आप कहेंगे इत्तिबा इताअत इतनी सबसे ज़्यादा किया करते थे कि वो जब हज पर जाते थे तो उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लम की ऊँटनी यहाँ पर चक्कर खाकर बैठ गई थी, तो आपकी ऊँटनी सही भी होती तो आप उसको घुमा कर वहाँ बैठाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लम जहाँ तहारत करने गए, आपको तहारत नहीं होती तो वहाँ पर वो किया करते थे जाकर, तो ये वो वाले साहब ही हैं। तो जब ये है उनके तो वो किया करते थे। तो सलाम कलाम तो इस हद तक भी बंद नहीं किया गया, सलाम तुमको करना चाहिए बल्कि इसको फैलाना चाहिए, उसका जवाब भी उनको देना चाहिए। यहाँ तक कि अब तो कई उलमाओं ने इसका भी जवाब दे दिया है कि गैर मुस्लिम भी अगर आपको सलाम करे तो उसका भी आप जवाब दें। अब वो उसके अंदर जो तावील दलीलें दी जाती है कि नहीं उसको क्यों दुआ दे सकते नहीं दे सकते, देख सकते अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया के लिए दुआ करके गए तो हम उसको सलामती देना नहीं देना वो अल्लाह की मसलियत है, उसको सलामती देता ही नहीं देता। हमारा काम है कि कुरान की हम जो अल्लाह ने कहा कि तुम सलाम करो, कोई तुम्हें सलाम करे तो आप उसका जवाब दो, तो आपको भी उसमें करना चाहिए। वो कई आज जो है कि इसके जो उलमा ने भी इसके अंदर सख्ती हटा ली, आज वो भी इसके कहते हैं कि हाँ दे देना चाहिए इसके अंदर, तो हमको भी दे देना चाहिए। बड़े बड़े स्कॉलर भी आजकल सलाम करते हैं, उमूमा एक फ़र्द से भी करते हैं, पहले उमूम तो था कि सबके साथ में सलाम किया जाएगा मिक्सअप में, लेकिन अब ये कि कोई सिंगल भी करता है तो लोग उसको करते, तो इसकी कुरान में जब कहा तो हमको करना चाहिए इंशाल्लाह।